अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान भट्ट हेयर। आज की वीडियो में हम आपको किचन 15 का विज़िट करवाने जा रहे हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं अली फ्लाईओवर, जो कि लंदन ब्रिज के नाम से भी पहले जाना जाता है, जिसका अभी रिसेंटली जो है नेम चेंज करके अली फ्लाईओवर जो है रखा गया। किचन 15 का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ तो किचन 15 जो है 125 स्क्वायर यार्ड का किचन है और मेन जिनाह पर ये लोकेट करता है और बिल्कुल एडजस्टेंट है ये लंदन ब्रिज से या अली फ्लाईओवर से। और ये आप देख सकते हैं इस टाइम हम जो है ईस्टर्न एवेन्यू सर्विस रोड पर चल रहे हैं और ये आपको मेन जिना को फेस करते हुए ये विलास देख सकते हैं। ये पिशन जो है बिल्कुल मेन जिना के ऊपर जो है मौजूद है और अली ब्लॉक के बाद जो है मोस्ट हाइटेड लोकेशन जो है इसकी बनती है पिशन 15 एरिया की कैटेगरी में। और अगर मैं इसके सराउंडिंग्स पिशन की आपको बताता चलूँ तो इसमें पिशन 14 और अली ब्लॉक इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर देख सकते हैं आप मौजूद है और पिशन 15A 15 भी इसकी बैक साइड पर मौजूद है और पिशन 27 जो है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो है इसका मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं पिशन जो है 15 में सबसे ज़्यादा रेशो है ये प्राइवेट विलास की कैटेगरी की अली ब्लॉक के बाद और इसको मतलब फ्यूचर का जो अली ब्लॉक भी है एक तरह का कह सकते हैं। और ये टोटली डिवेलप और लेवल पिशन है और यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, पोजेशन रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर इसकी प्राइसेस के हवाले से बात की जाए तो प्राइसेस इस टाइम पर जो है इसकी प्राइसेस काफ़ी डाउन हो गई है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओवरऑल बैरियर की मार्केट और रियल इस्टेट की मार्केट जो पूरे पाकिस्तान में वो अफेक्टेड है। तो इस टाइम अगर इसकी प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 55 से लेके 60 या 58 लाख तक जो है यहाँ पर आपको अच्छी लोकेशन का जो है प्लॉट अवेलेबल है इस टाइम पर। और अगर इसकी प्रीवियस मार्केट की बात करें जो इस टाइम पर आपको ये मार्केट में तकरीबन 65 से लेकर 70 लाख को भी ये मार्केट में प्रेस कर देगी। अली ब्लॉक के बाद जो है ये एक अच्छी ऑप्शन जो है कंसिडर की जाती है 125 की कैटेगरी में, जो भी जिनका बजट जो है अली ब्लॉक का नहीं बन पाता तो उनके लिए अच्छी ऑप्शन है पिशन 15 है मेन जिना पर मौजूद और प्राइवेट विलाज और विलाज यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसके लिहाज से भी देखें तो विलास की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा रेशो में यहाँ पर हो रही है। और अभी हम पिशन 15 के मेन सर्विस रोड से जो है अंदर आ चुके हैं, स्ट्रीट 10 की लोकेशन पर इस टाइम पर मौजूद है। देख सकते हैं आप हर विला हर रोड है या हर स्ट्रीट में आपको जो है कंस्ट्रक्टेड विला मिलेगा यहाँ पर और कुछ कंस्ट्रक्शन इस टाइम पर जो है जारी है। और इसके हवाले से अगर ये इस टाइम पर जो हम ट्रेवल कर रहे हैं ये रोड आपको स्ट्रीट 10 से एग्जिट कर रहे हैं और ये रोड 4 इसके बैक साइड पर जो है मौजूद है, जो कि तमाम स्ट्रीट्स जो है पिशन 15 में मौजूद उनको क्रॉस करते हुए रखती है। स्ट्रीट 9 आप देखते हैं, इसके बाद स्ट्रीट 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक ये जो है रोड आपको लेकर जाती है। और इसकी अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें, सराउंडिंग अमेनिटीज़, तो आपको जो है फिलिंग स्टेशन मिल जाता है इसमें अली ब्लॉक वाला जो फिलिंग स्टेशन है। इसके अलावा 27 की गैलरी जो इस टाइम पर रेडी है वो भी इसके बिल्कुल सराउंडिंग्स में मौजूद है। और रेजिडेंशियल वाइज भी अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा पिशन कंसिडर किया जाता है और इन्वेस्टमेंट वाइज अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट वाइज जो है एक बेहतरीन पिशन है इस टाइम पर, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी आइडियल है। इन फ्यूचर जब जो है ये पिशन फुली डेवलप होता है और बिल्कुल इसके जैसा लंदन ब्रिज जिस तरह के मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया वो मौजूद है, तो एक अच्छा यहाँ पर आपको जो है लोकेशन जो है मिलती है इसकी। इसके अलावा जो है इसमें एक बाय डोमिनेंट मार्केट है, जिस तरह के इस टाइम पर हम जानते हैं आपको इस टाइम पर बहुत ही लोएस्ट रेट पर जो है बैरियर टाउन में इस टाइम पर प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल है, तो एक बाय डोमिनेंट मार्केट है। आप अपनी चॉइस का और अपनी लोकेशन का जो है डिज़ायर्ड लोकेशन का प्लॉट कहीं भी आप बाय कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड प्राइस रेंज में। और इस टाइम ये हम इसके दूसरे एग्जिट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं 15 के सामने, जिस तरह मैंने 15A और 15B का डिस्कशन की थी, डेवलप एरिया है ये पिशन 15 और 15B का और अपोजिट साइड पर आप इसके विलास देख सकते हैं पिशन 27। फर्दर पिशन 15 के हवाले से किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।